Hello, everyone, welcome back to O2IS Academy YouTube channel. So, here we are in our Polity series, and today's topic is interstate relations. So, to download the topic lectures PDF, you have to download the Telegram and subscribe our Telegram channel, that is O2IS Academy. Plus, you can also download our app, O2IS Academy app, in which you will get the study material for this particular uh, Polity series, plus other subjects also.

स्टेट्स ऑल्सो सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द अगेन इंडियन फेडरल फ्रेमवर्क मैंने आपको कहा था जब भी हम ये पढ़ेंगे दैट इज द फेडरलिज्म की ही बात होगी जब हम स्टेट्स या पावर की शेयरिंग के ऊपर हम लोग बात करेंगे ओके okay? सो so, सबसे पहला जो कंसेप्ट हम जो पढ़ेंगे दैट इज रिलेटेड टू द इंटर स्टेट काउंसिल्स इनको क्यों बनाया गया था तो इंटर स्टेट काउंसिल्स की जब हम बात करेंगे तो पहले हम पढ़ेंगे इनके लिए चार पॉइंट्स पहला था एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटर स्टेट काउंसिल्स म्यूचुअल रिकग्नाइजेशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड द फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड कमर्स एंड इंटर कोर्स ये चार चीज़ें हैं जो हम इंटर स्टेट के बारे में पढ़ेंगे ये चार चीज़ें कैसे फंक्शन करती है सो दिस आज का जो लेक्चर होगा दैट इज कंप्लीटली ऑन दिस फोर पॉइंटर्स कि स्टेट्स के आपस का जो रिलेशन है वो कैसे काम करता है वन विल बी अराउंड द वाटर डिस्प्यूट्स के पास इंटर स्टेट काउंसिल्स कैसे आई देन पब्लिक एक्स रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बीच में क्या है ट्रेड कमर्स इंटर कोर्स क्या है एंड लास्ट में हम दो चीज़ें और देखेंगे दैट इज जोनल काउंसिल्स And GST Council, okay. So let's start with our first topic that is interstate water disputes. dekhiye water ek देखिए cheez एक jo चीज़ है जो हम सबको चाहिए फाइन अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी अलग से वाटर डिस्प्यूट की क्या बात है वाटर डिस्प्यूट जब आएगा तो उसके लिए अलग से एक अथॉरिटी क्यों बनानी है ये सब अभी हम डिटेल में करेंगे सो वेन इट कम्स टू दर्टिकल वाटर डिस्प्यूट के पीछे तो दैट इज आर्टिकल 262 के अंडर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात की गई है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल सो पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली फॉर एग्जाम्पल एक रिवर है जो दो तीन स्टेट से जा रही है एस वन एस टू एस थ्री ठीक है तो अगर इन तीनों के बीच में कोई रिवर जा रही है तो इसके ऊपर अगर कोई भी लॉ बनना है तो कौन बनाएगा और इसकी जरूरत एक अलग से एक बॉडी की जरूरत क्यों पड़ी बॉडी की जरूरत पड़ी मान लीजिए कोई एक रिवर है जो एस वन एस टू एस थ्री से क्रॉस कर रही है एस टू ने अगर अपनी टेरिटरी के अंडर कोई डैम बना दिया तो एस टू ने तो यहाँ पे पानी रोक लिया डैम बना दिया तो एस थ्री के ऊपर क्या हुआ एस थ्री के ऊपर अफेक्ट होगा सो एस ट्रू बोलेगा कि मैंने तो अपनी टेरिटरी के ऊपर बनाया है तो मेरा तो इस पर रूल है कंट्रोल है बट एस थ्री की इसमें क्या गलती पास तो तीनों से है ना एस थ्री का भी तो बराबर का हक है उस रिवर के ऊपर सो दैट इज़ द नीड टू मेक अ डिफरेंट अथॉरिटी जो इन सब चीज़ों का डिस्प्यूट जो तीनों को बराबर एक चीज़ को देखेगा कि हाँ किसके लिए कितना वाटर दिया जाएगा प्लस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होने के बाद हमें एक अलग से बॉडी की ज़रूरत क्यों पड़ी अलग से बॉडी की जरूरत इस पड़ी क्योंकि मान लीजिए ये दोनों दो स्टेट जो हैं वो लीगल एंटिटी ज़रूर हैं बट द थिंग इज़ वाटर इज समथिंग विच इज़ नीडेड एट द ग्राउंड लेवल टू द कॉमन पीपल ठीक है is, is level, तो जब बात आएगी वाटर डिस्प्यूट के ऊपर तो आपको ग्राउंड लेवल पर जाकर स्टडी करना पड़ेगा कि कैसे क्या चीज़ उसके लिए कोई लॉयर या कोई जज आपके ग्राउंड में आके कोई स्टेट में आके नहीं देखेगा कि हाँ कौन सा फार्मर या कौन सा इंसान कैसे अफेक्ट हो रहा है पर्टिकुलर स्टेट में किसको कितने पानी की ज़रूरत है क्या हो सकता है एक स्टेट <coughs> से यही एक नदी निकल रही हो और दूसरे स्टेट से तीन नदियां और जा रही हो ठीक है सो दैट विल ऑल बी स्टडीड इन द ग्राउंड लेवल तो इस ग्राउंड लेवल को स्टडी कौन करेगा दिस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट रेजोल्यूट करने के लिए करेंगे तो ये कौन देखेगा यही पर्टिकुलर जो ट्रिब्यूनल होगा यही इस चीज़ को स्टडी करेगा नेक्स्ट इज पार्लियामेंट में also प्रोवाइड डेट neither the सुप्रीम कोर्ट nor एनी अदर कोर्ट is टू एक्सरसाइज jurisdiction इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट ठीक है ऐसा कुछ भी होगा तो इस पर्टिकुलर के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट और किसी भी कोर्ट को रोक सकता है सो so, इस पर्टिकुलर प्रोविजन को लागू करने के लिए हमारे पास आए थे दो एक्ट वन इज रिवर बोर्ड एक्ट एंड सेकेंड इज इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट ये दोनों है so, पहले हम देखते हैं रिवर डिस्प्यूटिंग तो रिवर बोर्ड जो देखता है रिवर बोर्ड इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज वैली रिवर बोर्ड इज एस्टैबलिशमेंट ऑन द रिकस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न बाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आपको रिक्वेस्ट करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्रिब्यूनल बना देगी या सॉरी रिवर बोर्ड बना देगी पर्टिकुलर रिवर के लिए हर एक रिवर के लिए डिफरेंट रिवर बोर्ड बन सकता है एंड वो किसके अंडर है दिस इज द एक्ट रिवर बोर्ड एक्ट इज 1956 बनाएगा कौन सेंटर बनाएगा नेक्स्ट इज इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट इंटर ये भी 1956 में आया था इसमें बोला गया है कि एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट

एग्रीमेंट या डिसीजन विच विल बी टेकन अकॉर्डिंग रिगार्डिंग दैट डिस्प्यूट ठीक है तो ये पावर देता है दिस एक्ट गिव पावर टू द किसको सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों रिवर बोर्ड बनाने के लिए भी किसके पास पावर है हमारे सेंटर के पास सेम इज विद दिस ट्रिब्यूनल ऑल्सो पावर किसके पास है हमारे सेंटर के पास एक ट्रिब्यूनल बनाने के लिए किसी भी पर्टिकुलर रिवर के लिए सो so, आज तक जो हमारे ट्रिब्यूनल्स बने हैं सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर टेबल इसमें आपको ये आ, रिवर्स भी पता लग जाएंगे प्लस यू विल अंडरस्टैंड कौन सी रिवर किस स्टेट से क्रॉस होती है प्लस वैसे ये ज्योग्राफी में वैन यू विल स्टडी द रिवर सिस्टम वैसे भी आप उसमें ये क्लियरली मेंशन करते हैं कि कौन सा रिवर किस किस एरिया से आ, पास करता है सो so, पहले जैसे वी विल स्टडी रावी एंड ब्यास वाटर तो पंजाब हरियाणा राजस्थान कृष्णा के ऊपर है देन कर्नाटका आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र कृष्णा के ऊपर दो बने दिस कर्नाटका देन तेलंगना इज ऑल्सो एडेड गोदावरी है सो यू विल हैव टू सी दीज ऑल की अब तक कितने हमारे बने सुवेरी भी है, सो यू हैव टू स्टडी ऑल दिस की कौन से ट्रिब्यूनल हैं प्लस इंपॉर्टेंट है कौन कौन से स्टेट्स के बीच में है इश्यू क्या है ठीक है नेक्स्ट इज म्यूचुअल रिकग्नाइजेशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड्स एंड जुडिशल प्रोसीडिंग्स सो so, इसके ऊपर जो हम पढ़ते हैं दैट इज़ द फुल फेथ एंड क्रेडिबिलिटी हम फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि हम इसमें लेजिस्लेट करेंगे ये करेंगे बट दीज आर द वेरी स्मॉल थिंग्स अगर हम इस पर्टिकुलर सिर्फ अगर हम हेडिंग को देखें अभी तक अगर हम डिटेल टेक्स्ट पे ना जाएं तो वी विल सी वन थिंग देखिए म्यूचुअल रिकोगनाइजेशन इस सब क्या समझते हैं म्यूचुअल मतलब म्यूचुअल किसके बीच में सेंटर और स्टेट के बीच में रिकोगनाइजेशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड्स एंड जुडिशल प्रोसीडिंग मतलब कोई एक्ट जो पब्लिक के लिए बनाया गया हो कोई रिकॉर्ड जो एक सेंटर ने रखा हो या जुडिशल प्रोसीडिंग्स जो हो सकते सुप्रीम कोर्ट ने या किसी और हाई कोर्ट ने किसी स्टेट हाई कोर्ट ने ये सब रखे तो उनके बीच में म्यूचुअल रिकोगनाइजेशन होना चाहिए ऐसा नहीं है मीन्स जैसे हम पढ़ते हैं जुडिशल प्रोसीडिंग का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए एक स्टेट कोर्ट ने जैसे कि अगर पंजाब हाई कोर्ट ने एक पर्टिकुलर जजमेंट पास की तो उस पर्टिकुलर जजमेंट को एक बेस लेके कोई और स्टेट हाई कोर्ट भी कोई जजमेंट दे सकता है या आप उसको कोर्ट कर सकते हैं तो नेक्स्ट हाई कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि नहीं ये तो पंजाब ने दिए हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है नो दिस इज द म्यूचुअल रिकग्नाइजेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट इसमें पड़ता है फुल फेथ एंड क्रेडिबिलिटी का एक छोटा uh, सा एग्जाम्पल प्रोविजन दैट इज शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटी ऑफ इंडिया टू द पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एन जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ द यूनियन एन एवरी स्टेट पूरे देश में अगर कुछ चीज़ ऐसी है तो उसमें रिस्पेक्ट मिलेगा ऑल ओवर द कंट्री द मैनर इन विच एंड कंडीशन विच द एक्ट रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग्स रेफर टू इन द क्लॉज वन शेल बी प्रूव एंड द इफेक्ट देयर ऑफ डिटर्मेंट शेल बी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट इतना इसको जजमेंट में नहीं जाना बट फाइनल जजमेंट्स और ऑर्डर डिलीवर्ड और पास बाय द सिविल कोर्ट्स इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन एनी वे विद इन दैट टेरेटरी अकॉर्डिंग टू द लॉ सो इन तीनों पॉइंट्स में द डिटेल इज अगर कोई चीज पास होती है तो उसको ऑल ओवर कंट्री में आपको रिस्पेक्ट करना है रिकोगनाइज करना है चाहे वो पार्लियामेंट का कोई लॉ है या कोई रिकॉर्ड है कोई एक्ट है कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग है जो किसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है किसी और हाई कोर्ट ने दिया है सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज आप उसको कोर्ट कर सकते हैं सोच

Establishment of an interstate council to effect coordination between the states and between the center and states. President उंसिल एट एनी टाइम इट अस टू हिम्लिकेशन एंडल इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल नंबर टू सिक्स के अंडरब्लिश की जाती है कौन एस्टैब्लिश करेगा प्रेजिडेंट जब उसको लगेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में इस पर्टिकुलर काउंसिल की हमें जरूरत है देन द प्रेडेंट विल मेक द इंटरस्टेट काउंसिल अब इस काउंसिल का कंपोजिशन क्या होगा कंपोजिशन होगा प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो होंगे इसके चेयरमैन प्लस चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द ऑल द स्टेट जो भी पर्टिकुलर स्टेट को लेके जो उसमें मैटर करेंगे दे आर द चीफ मिनिस्टर्स देन चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूट इज दैट नॉट कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर टू नॉमिनेटेड बाई द पी एम फाइव मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट आर परमानेंट इन्वाइटर्स ऑफ द काउंसिल ये परमानेंट है बाकी ये सब चीजें आपको ध्यान रखो दीज आर द मेंबर्स ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल इसके ऊपर भी आपको कभी कभी क्वेश्चन मिल सकता है यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर पॉइंटर्स नेक्स्ट इज uh, कुछ ड्यूटीज़ भी इनको दी गई हैं तो ड्यूटीज हैं ये तीन ड्यूटीज़ जो हम देखते हैं दैट इज़ इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग अपॉन द डिस्प्यूट्स विच में अराइज बिटवीन द स्टेट्स स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट होगा उसके ऊपर इंटर स्टेट काउंसिल को ही बोलना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट्स इन विच द स्टेट्स और द सेंटर एंड द स्टेट्स हैव अ कॉमन इंटरेस्ट कोई ऐसा सब्जेक्ट जब आता है जिस पे सेंटर का भी इंटरेस्ट है और स्टेट का भी इंटरेस्ट है तो उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट के बीच में भी इंटर स्टेट काउंसिल को बोलना पड़ेगा मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन एनी सब्जेक्ट फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन इन शॉर्ट तीनों पॉइंट्स में आप देखोगे तो जब आपके रिलेशन के लिए या उस गवर्नेंस के लिए जब आप पर्टिकुलर चीज पे बात करेंगे देन इंटर स्टेट काउंसिल हैव टू फंक्शन इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 263 प्लस इनके जो मेंबर्स हैं नेक्स्ट इज़ एक बार सरकारी कमीशन देख लीजिए सो दिस इज़ इन द 1983 87 एंड द कमीशन स्ट्रॉकल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ परमानेंट इन्होंने कहा कि प्रेजिडेंट की बात प्रेजिडेंट के ऊपर मत छोड़िए एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल आप बना दीजिए और एक चीज़ इसमें और बोली गई थी दैट इज उसको इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल आप बोलिए ताकि वो बाकी अथॉरिटीज uh, से डिफरेंट हो सो दीज आर द टू रिकमेंडेशन वैसे सरकारी के अंदर अराउंड टू फोर्टी सेवन समथिंग थी बट दीज आर द रिकमेंडेशन फॉर द सेंटर स्टेट रिलेशन की एक इंटर स्टेट काउंसिल परमानेंटली बना दिया जाए जिसको इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल बोला जाए ये परमानेंट होना चाहिए नॉट इट शुड नॉट बी लेफ्ट टू द प्रेजिडेंट कि पब्लिक इंटरेस्ट की जब जरूरत पड़े अब तभी बनाइए नहीं एक परमानेंटली आप एक बॉडी बना दीजिए जिसको आप नाम रखिए इंटर गवर्नमेंटल

इंडिया uh, के अंडर आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं प्लस स्टेट्स के अंदर आपस में भी आप फ्री ट्रेड करेंगे सो दैट इज अंडर आर्टिकल नंबर 301 दिस इज नॉट ये वाला चैप्टर की बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाता है बट वंस कभी कभी इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स या इंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर इंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं सो शुड भी क्लियर विद द आर्टिकल जब तीन सौ एक से तीन सौ सात तक बात करेंगे दैट इज रिलेटेड टू इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स नेक्स्ट इज आर्टिकल थ्री जीरो टू टू थ्री जीरो फाइवोज करता है रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर क्या अगर कुछ भी पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा कोई ट्रेड हो रहा है जो सही नहीं है तो रिस्ट्रिक्शंस बोलती हैं 302 से 305 तक 301 के अंदर हर एक ट्रेड को परमिट कर दिया गया है बट द 302 से 305 बोलता है अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ भी हानिकारक है कुछ भी किस चीज़ को वायलेट करता है तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी गई है रिस्ट्रिक्शन इंपोज करने की ओके आर्टिकल थ्री वन इसमें भी बोला है कि कटेल कर जा सकता है नेशनलाइजेशन लॉज के ऊपर पार्लियामेंट हैज ऑथराइज टू अपॉइंट एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ये कोई पार्लियामेंट कंप्लीट पावर जो दी गई है पार्लियामेंट के ऊपर ही दी गई है कटेल करने के लिए कोई नेशनलाइजेशन ऑफ लॉज के लिए प्लस पार्लियामेंट कोई ऐसी बॉडी भी एस्टेब्लिश कर सकती है जो इस पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल करें सो दैट्स ऑल विद द ट्रेड एंड कॉमर्स नेक्स्ट इज आपको सिर्फ आर्टिकल्स याद रखने अगला है जोनल काउंसिल्स और uh, उससे पहले हम ये देखते हैं जोनल काउंसिल्स ये हैं क्या दीज आर द दैचूटरी बॉडीज किसके अंदर इस्टबलिश की, की गई हैं 1956 फिफ्टी सिक्स एक्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो हमने पहले भी पढ़ा है वैन वी हैव स्टडीड ऑल द स्टेट्स तो उसमें हमने पढ़ा था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 1956 का उसके अंदर ही जोनल काउंसिल बनाया गया होम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हैं वो है चेयरमैन ऑफ ऑल द जोनल काउंसिल्स प्राइम मिनिस्टर हमने इंटर स्टेट काउंसिल में हमने चेयरमैन पढ़े थे बट इन जोनल काउंसिल द होम मिनिस्टर इज आर द आर चेयरमैन देन अदर मेंबर्स कौन से हैं दैट अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स इंक्लूडेड इन इट जोन एक्ट इज वाइस चेयरमैन हर साल रोटेशन में ठीक है जो जो काउंसिल्स उसमें इन्वॉल्व हमारे पांच पांच स्टेट्स उसमें इन्वॉल्व हैं तो हर एक का जो चीफ मिनिस्टर होगा वो बनेगा वाइस चेयरमैन चेयरमैन तो होम मिनिस्टर हो गए वाइस चेयरमैन हर एक साल बाद याद होगा दैट विल बी इन रोटेशन ठीक है एक दो तीन चार पांच अगेन इससे एक दो तीन चार पांच इन रोटेशन वाइस चेयरमैन विल विल चेंज दैट बी चीफ मिनिस्टर्स और पीरियड क्या है वन ईयर नेक्स्ट आज के टाइम पे कितनी जोनल काउंसिल्स हैं दे आर सिक्स नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तो हम सबको पता है दो और हैं दैट इज सेंट्रल एंड सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न सो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देन सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट दीज आर दिक्कस जोनल काउंसिल्स जो आज के टाइम पे हैं नाउ दीज आर मेयरली द एडवाइजरी बॉडीज जो रिकमेंडेशन देती हैं इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ठीक है ट्रांसपोर्ट जो जो चीज़ें हमारे इंटर स्टेट में काम कर रही हैं ठीक है इसमें यह रिकमेंडेशन देगा कौन देगा जोनल काउंसिल जोनल काउंसिल्स क्या है कुछ स्टेट्स का आपस में पार्ट नॉर्थ की अलग है साउथ के अलग है ईस्ट की अलग है वेस्ट की अलग है नॉर्थ साउथ की अलग सॉरी सेंट्रल की अलग है नॉर्थ ईस्ट की अलग काउंसिल है तो उसके रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग इन सब चीजों पे अगर कुछ भी आ, बात है कोई सब्जेक्ट पे बात हो रही है देन जोनल काउंसिल काउंसिल कैन कैन द द रिकमेंड गिव देयर सो लास्ट पार्ट ऑफ दिस इज इसके बारे में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए दिस इज द ज्वाइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट अभी तक जो हम पढ़ रहे थे जोनल ये हम पढ़ रहे थे इंटर स्टेट बट वेन इट इज अबाउट द जी एस टी काउंसिल दिस इज द ज्वाइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स इट वॉज द प्रेजिडेंट एज पर दर्टिकल जो आर्टिकल है फॉर द जी एस टी काउंसिल मेंबर्स कौन है इसके मेंबर्स है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनेंस के फ्रॉम द सेंटर ईस्ट स्टेट के नॉमिनेट अस्टर इंचार्ज ऑफ द फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर एज अ में ठीक है फाइनेंस मिनिस्टर है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होगा फाइनेंस के वो होंगे पर प्लस हर एक जो स्टेट है वो अपने आप में एक मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है फंक्शंस क्या है अगेन मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड द देश टू द जी एस टी प्लस जो स्लैब्स हैं जीएसटी के वो भी जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करेगा ओके सो दीज आर द फंक्शंस प्लस जो ये रिकमेंडेशन है दीज आर नॉट बाइंडिंग द कोर्ट सेट द आर्टिकल टू फिफ्टी सिक्स ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट साममिल्टेनियस पावर टू लेजिस्ट ऑन द जी एस टी एंड रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल आर द प्रोडक्ट ऑफ अ कोलाबरेटिव डायलॉग इन्वॉल्विंग द यूनियन एंड स्टेट सो दे आर नॉट बाइंडिंग आपको ये ध्यान रखना है दिस इज द काउंसिल स्पेसिफिकली डिसाइन फॉर द जी एस टी बट दिस काउंसिल के जो हमारी रिकमेंडेशन हैं वो बाइंडिंग नहीं है प्लस टू टू फोर्टी सिक्स ए आर्टिकल के अंडर हमने पार्लियामेंट और स्टेट को दोनों को पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करने की रिकमेंडेशन देने की सो दैट्स ऑल अबाउट द इंटर स्टेट रिलेशन ये बहुत छोटा सा टॉपिक था सो दट्स बी डन नाउ वील सी सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट डू नॉट फाइंड मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कौन सी बॉडीज हैं जो हमें उसमें नहीं मिलती हैं किसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जोनल काउंसिल्स हमने पढ़ता स्टैचुटरी बॉडी दे आर नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी प्लानिंग कमीशन इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैन द आंसर इज डी नेक्स्ट इज Which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent and simple governor, up, particular state se baat governor ap us पर्टिकुलर स्टेट का नहीं होना चाहिए ये कौन से कमीशन में बोला गया था द आंसर इज सरकारिया कमीशन ठीक है सो so, ये आपको ध्यान रखना होगा फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म कमीशन ये सब हमने लास्ट लेक्चर में वैसे भी देखा था राजमन राजमनार कमेटी वॉज इंटरेस्टेड पर सरकारी कमीशन ने ये बात कही थी मैंने आपको उस पर्टिकुलर लेक्चर में भी बोला था लास्ट में कि सरकारी कमीशन सेकेंड एआरसी रिपोर्ट और पुंछी कमीशन ये तीन चीजें हैं इनके आपको जो प्रोविजन्स है जो कन्वेंशन है वो आपको याद होनी चाहिए नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 तो हमने देखना है कि विच आर नॉट करेक्ट इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एन एडहॉक ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट द अपील टू द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल लाइज विद इन द सुप्रीम कोर्ट सो ना ये सही है ना ये सही है सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट सो दिस इज बोथ बोथ आर नॉट करेक्ट ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर आई जस्ट होप ये छोटा सा एक टॉपिक था नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर बहुत ज़्यादा बट द आर्टिकल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लस दिस कमीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट यू विल सी द रिस्पेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर रिलेटेड टू द आर्टिकल्स एंड जो हमने कमीशंस पढ़े बट हाँ फॉर श्योर sure, आपको ये आर्टिकल्स कैसे याद होने चाहिए कि किस में क्या एक्सेप्शन है मैं बार बार बोलती हूँ वेन यू विल स्टडी द पॉलिटी आर्टिकल्स के साथ में जो इसकी एक्सेप्शन है या जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है किसमें कौन कंट्रोल करता है दैट शुड बी नोन टू ऑल ऑफ यू सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर आई जस्ट होप यू लाइक दिस लेक्चर थैंक यू सो मच